जी वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है जी आप लोगों के जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को अच्छा जी तो हमने एक नई वेबसाइट का सेटअप किया था किस नेम से किया था जी सेकंड सेवेंटी एट ठीक है सेकंड सेवेंटी एट के नेम से हमने किया था यही था ना अच्छा जी ये हमारी वेबसाइट थी ठीक है जिसपे हमने अब क्या करना है पेज बिल्डर के साथ हमने इसको डिज़ाइन करना है जी ठीक है मेरी आवाज़ आ, आ रही है ना आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है वॉइस क्लियर है मेरी ओके जी ठीक है अच्छा जी सबसे पहला काम तो ये कि हमने जब न्यू सेटअप किया एक वेबसाइट का तो सबसे पहले हमने क्या करना है थीम इंस्टॉल करना है जी तो आप आ जाए अपेरियंस में थीम्स सेक्शन में आ जाए और यहाँ से हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे ऐड न्यू पे क्लिक करें अब हमने जो डिज़ाइन बनाना है वेबसाइट को डिज़ाइन करना है वो करना है पेज बिल्डर के साथ और पेज बिल्डर मैंने आपको बताया था हम यूज़ करेंगे एलिमेंटर ठीक है तो एलिमेंटर के साथ कौन कौन से थीम जो है वो परफेक्टली काम कर रहे हैं बहुत से थीम हैं एलिमेंटर के साथ जो अच्छा काम करते हैं क्योंकि जो हमारे थीम होते हैं ना वो पेज बिल्डर के साथ आप कह लेंगे डिपेंड कर रहे होते हैं कि किस पेज बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं किसके साथ नहीं कर रहे ठीक है, है तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप किसी भी थीम की डिटेल में जाएंगे और डिटेल चेक करेंगे तो वहाँ पे बताया होगा जी कि ये थीम जो है ये किस किस पेज बिल्डर के साथ काम करता है जी ठीक है तो कोशिश यही होती है कि उस वही पेज बिल्डर जो है इस थीम पे यूज़ किए जाएं एलिमेंटर है बीवियर आ गया विजुअल कंपोजर आ गया साइट रिजन डी वी ठीक है ये ये तमाम जो अभी हमने देखे हैं ये इस एक्स्ट्रा थीम के साथ काम करते हैं जी ठीक है ऐसे ही आप इसको चेक कर लें आपने नेवी थीम पहले यूज़ किया आप उसको देख लें कि उसके साथ कौन से थीम काम अच्छे पेज बिल्डर के साथ कौन से अच्छे काम कर रहे हैं जी ठीक है तो अगर आपने पेज बिल्डर के साथ काम करना है तो आपने पेज बिल्डर पहले सेलेक्ट किया जैसे कि हमने एलिमेंटर सेलेक्ट किया कि हम एलिमेंटर के साथ काम करेंगे तो अब आप ये देखेंगे एलिमेंटर के साथ कौन से थीम जो है वो परफेक्ट रहेंगे अगर हमें कस्टमाइज डिज़ाइन बना रहे हैं तो ठीक है तो आप ये चीज़ देखेंगे और अगर आपने थीम पहले सेलेक्ट किया है तो फिर आप देख लें कि इस थीम के साथ कौन सा पेज बिल्डर ठीक रहेगा ठीक है? है ये चीज़ होती है मोस्टली आजकल जो थीम जितने भी आपको मिलेंगे वो सभी आप कह लें कि पेज बिल्डर के साथ काम कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी बेहतर होता है कि आप उस चीज़ को देखें कि वो किसके साथ ज़्यादा बेहतर काम करेगा जी ठीक है तो एलिमेंटर हमने यूज़ करना है एलिमेंटर पेज बिल्डर है इसको हमने यूज़ करना है और एलिमेंटर जो है हेलो एलिमेंटर थीम है इसके साथ बहुत अच्छा काम करता है ये एलिमेंटर वालों की खुद की थीम है ठीक है एक्स्ट्रा थीम के साथ बहुत अच्छा काम करता है उसके बाद कैडेंस आ गया है ये जो दो तीन थीम मैंने आपको बताए ये थीम जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कस्टमाइज डिज़ाइन बनाना हो यानी कि पेज बिल्डर के साथ हमने खुद से डिज़ाइन करना है किसी भी चीज़ को तो उसके लिए ये थीम बेस्ट है जी हम एक्स्ट्रा थीम यूज करेंगे ठीक है इंस्टॉल करते हैं एक्स्ट्रा थीम को ले अपडेट फेल हो गई है चलिए अब देखें थीम यहाँ पे अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा इस जगह से तो आप क्या करें फिर थीम को अपलोड कर लें, जी ठीक है अपलोड थीम पे जाएं और चूज़ फाइल अब ये थीम की फ़ाइल आप कहाँ से लेंगे थीम की फ़ाइल आप लेंगे वर्ड डॉट से ठीक है वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी जहाँ से हमने वर्ड प्रेस को डाउनलोड किया था वहीं पे आपको थीम भी मिलेंगे प्लगइन्स भी मिलेंगे ठीक है एक्स्ट्रा चीज़ें भी वहीं पे आपको मिल रही होती हैं जैसे कि अगर आप थीम में आएँ तो यहाँ पे आपको वो तमाम थीम नज़र आएंगे जो आपको डैशबोर्ड पे नज़र आ रहे थे वही थीम यहाँ पर आपको मिलेंगे तो आपने क्या करना है डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करेंगे फाइल आपके पास आ जाएगी किसी भी थीम की जो आप डाउनलोड कर रहे हैं और फिर आप आ जाएँ अपने डैशबोर्ड पर जहाँ पे आपने क्या करना है थीम को अपलोड करना है जी ठीक है ये हमारा डैशबोर्ड है यहाँ से आप करेंगे जी अपलोड थीम पे क्लिक और चूज फाइल आपने करना है और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा थीम जो है सेलेक्ट किया इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और ये थीम आपकी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी जी अब आपको ये समझ आ गई कि आपने किस तरह से न्यू वेबसाइट का सेटअप करना है तो अब कोशिश करें कि खुद से तीन चार पाँच वेबसाइट्स जो है यहाँ पे आप डिज़ाइन करें और कंप्लीट डिज़ाइन करें हर वेबसाइट को आप कंप्लीट बनाएं ताकि वो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाए जी ठीक है ये प्लग इंस्टॉल हो गया है इसको आप एक्टिवेट कर लें यहाँ से ठीक है अब ये प्लग आपका सॉरी थीम आपका यहाँ पे इंस्टॉल तो हो गया और थीम को हमने एक्टिवेट कर लिया जी अब ये थीम जब एक्टिवेट होगा तो जैसे पहले आपको यहाँ पे नेवी थीम का एक ऑप्शन नज़र आ रहा था एक सेक्शन था जिसमें डिफरेंट उसकी सेटिंग्स थी या कस्टमाइज का ऑप्शन था अब यहाँ पे देखें ये नेवी का आपको सॉरी एक्स्ट्रा थीम का आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है जी यानी कि बाहर नहीं है अब ये अपीरेंस में ही आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन के नेम से ये एक सेक्शन नज़र आ रहा है उसमें फिर आगे फर्दर कुछ सब सेक्शन ठीक है अच्छा ये हमारी वेबसाइट थी एक दफा इसको रिफ़्रेश कर लें क्योंकि अभी हमने थीम इंस्टॉल की है और ये देखें जी ये हमारा न्यू थीम का एक लेआउट है अब देखें बिल्कुल ब्लैंक है साफ है कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है ये आप कह लें थीम जो है ना बिल्कुल लाइट वेट बनाए जाते हैं कि आप अपनी मर्जी से जो चीज़ें चाहें इसमें ऐड कर लें अब यहाँ पे हमने क्या करना है वेबसाइट को डिजाइन करना है अब एक चीज आपने जहन में रखना है कि जो हम पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं उस पेज बिल्डर से हमने अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना होता है ठीक है डिजाइन थीम पे ही होगी थीम हमने जरूर लेना है थीम को अगर डिजाइन कैसे करना है वेबसाइट को उसके लिए हम पेज बिल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं अब यहाँ पे एक टाइम में एक पेज बिल्डर ही आपने यूज़ करना है मल्टीपल पेज पेज बिल्डर जो है आप यूज नहीं करते ठीक है और तीसरी चीज़ ये कि जब आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप बने बनाए डिज़ाइन उठा लें जिन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं ठीक है उनको आप उठाएं वो कंप्लीट वेबसाइट के टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं ठीक है उनमें आप देखें क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करना है या एक्स्ट्रा हैं तो उनको रिमूव करना है जो भी चेंजिंग्स आपने करना है वो करके आप अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हैं एक तरीका तो ये होता है दूसरा ये होता है कि आप अगर वो टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाह रहे क्लाइंट जो है वो ख़ुद से कोई आपको रेफरेंस डिज़ाइन देता है कि ऐसा डिज़ाइन बना के दें मुझे आपको वो कोई भी डिज़ाइन दे, दे दे या कोई रेफरेंस वेबसाइट दे दे तो फिर ये होता है कि आप क्या करते हैं एक ब्लैंक पेज लेके पेज बिल्डर के साथ उसे ख़ुद से डिज़ाइन करेंगे कि कौन सी चीज़ हमने कैसे डिज़ाइन करनी है ठीक है तो ये दोनों तरह से इन हम काम अभी करते हैं हमने थीम लिया थीम हमारा इंस्टॉल हो गया अब हमने क्या करना है जी पेजेस में आना है कुछ पेजेस हम बना लेते हैं अब यहां पे मैंने पेज का नेम दिया जैसे पहले मैंने आपको पेज क्रिएट करके दिखाया था सेम पेज तो वैसे ही क्रिएट हो रहा है ना लेकिन अब हमारा जो पेज है हमने इसको यहाँ पे जो एडिट करते हैं उसको इस तरह से नहीं करेंगे हम एलिमेंट्री से इसको डिज़ाइन करेंगे जी एक पेज बन गया ठीक है एक पेज हम और बना लेते हैं इसको हम कॉन्टेक्टर्स का नेम दे देते हैं जी ठीक है अब दो पेजेस हमारे बन गए हैं जी अब इन पेजेस को मैं यहाँ लेके आ लेके आना चाह रहा हूँ ये काम अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था ऐसा ही है ना कि अभी ये वेबसाइट जो है आपके पास एक ब्लॉग वेबसाइट की इसकी सेटिंग है या लेआउट है और मैं चूंकि एक बिज़नेस वेबसाइट की तरफ जा रहा हूँ बिज़नेस वेबसाइट को मैंने बनाना है तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा नंबर वन तो मेरा जो मेन्यू है उसको मैं सेट करता हूँ पेजेस वहाँ पे लेके कर आऊँगा और सेकंड ये कि यहाँ पे जो आपको पोस्ट नज़र आ रही है होम पेज पे वो हमने डिस्प्ले से हटानी है जी ठीक है उसके लिए आप क्या करेंगे आप आ जाएं सबसे पहले अपीरेंस में आए मेन्यूज़ में आए ठीक है और यहाँ पे एक मेन्यू बना लें आप ठीक है मेन्यू का नेम दें मेन मेन्यू मैंने सेलेक्ट किया क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया जी ठीक है और ये दो पेजेस अभी मैंने हमने बनाए हैं ठीक है कॉन्टेक्ट और होम सेलेक्ट किया ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करें ये मेन्यू में ऐड हो जाएंगे ठीक है होम को ऊपर ले आए और इसको आप प्राइमरी मेन्यू सेट करके सेव कर दें ठीक है यहाँ पे आए रिफ्रेश करके देखें आपका मेन्यू यहाँ आप पे अपडेट हो जाएगा ले अपडेट हो गया अब हमने ये पोस्ट यहाँ से डिस्प्ले से हटानी है जी सेटिंग में आए रीडिंग सेक्शन पे आए ठीक है और यहाँ पे अभी आप देखें तो हमारा जो होम पेज है वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है वो लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करवा रहा है जी ठीक है स्टैटिक पेज पे आते हैं और यहाँ से हम होम जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं पोस्ट पेज अभी हमने बनाया नहीं है वो अगर आपको जरूरत हो तो आप बना लीजिएगा ठीक है और यहां पे आप क्या करेंगे जिसको सेव कर लेंगे ये देखें जी हमारा होम पेज यहाँ पे आ गया जी ये काम आप पहले भी कर चुके हैं ऐसा ही है अब हमने क्या करना आगे इस पेज को ये जो होम पेज है इसको हमने डिजाइन करने ठीक है अगेन पेजेस पे आए और जैसे हमने पहले किया कि पेज को हम एडिट करते हैं ठीक है अभी हम वही करने हैं पेज को एडिट करेंगे लेकिन जब हम पेज को यहाँ पे एडिट करेंगे ना तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है इसको एलिमेंटर से डिज़ाइन करना है समझ आ रही है ये चीज़ यहाँ तक आप पहले भी कर चुके हैं आपको एडिट का ऑप्शन भी सेम ऐसे नज़र आ रहा था ठीक है अच्छा अब हमने क्या करना है एलिमेंटर से डिज़ाइन करना है तो हमें एलिमेंटर चाहिए हम प्लग में आएंगे ठीक है और वहां पे हमने क्या करना है एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है एड न्यू यहां पे आप सर्च कर लें जी एलिमेंटर लिख के ठीक है ये जो आपको नजर आ रहा है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर जो है ठीक है बाईलेंटर डॉट कॉम ठीक है इसको आपने यहाँ पे क्या करना है जी इंस्टॉल कर लेने अगर ये यहाँ से इंस्टॉल नहीं होता तो फिर सेम वही काम आपने करना है जो हमने थीम इंस्टॉल करते हुए किया था अपलोड प्लगइन का ऑप्शन है आपके पास ठीक है वट प्रेस डॉट ओ जाएँ वहाँ से आप प्लगइन्स को डाउनलोड कर लें और यहाँ पे आप उसको अपलोड कर लेंगे। ठीक है ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया एक्टिवेट कर लें इसको जी, एक्टिवेट भी हो गया <coughs> अच्छा अब आप दोबारा आए पेजेस पे और अब अगर आप पेज को एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर का ठीक है ये देखें जी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लिखा हुआ एडिट विद एलिमेंटर ठीक है अब यहाँ पे हमने जो इसको डिज़ाइन करना है इस पेज को बनाना है वो एलिमेंटर से हमने करना है जी ठीक है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर पे तो अब जो यहाँ पे एडिटर मोड यहाँ पे आपको ओपन होगा वो होगा जी एलिमेंटर का ठीक है और उससे ही हमने इसको डिज़ाइन करना है इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि वो एक सिंपल एडिटर है बाय डिफ़ॉल्ट है वर्डप्रेस का उसमें ऑप्शंस बहुत कम है एलिमेंट्स uh, जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत कम होते हैं उसमें ठीक है और आप कोई भी एक्सटर्नल एडिटर यूज़ कर रहे हैं जैसे ये एलिमेंटर भी एक एडिटर ही है पेज बिल्डर है या इसको आप थीम बिल्डर कह लें तो ये आपको uh, ज़्यादा ऑप्शंस दे रहा होता है जी ठीक है एक मिनट वेट कीजिएगा जस्ट वेट अ मिनट बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आवाज आ रही है अच्छा ठीक है अच्छा जी यहाँ पे देखें अब यहाँ पे इसका जो हमने पेज को डिज़ाइन करना है इसको किस तरह से करना है हमने यहाँ पे बनाने हैं सेक्शंस कह लें आप ठीक क्या सेक्शन वाइज हमने काम करना है और सेक्शंस किस तरह से बनते हैं यहाँ पे अगर आप एलिमेंटर का ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे सेक्शन का नेम ही आ रहा होगा ठीक है अब जो न्यू है उसमें कंटेनर का नेम आ रहा है जैसे कंटेनर लिखा हुआ है प्लस का आइकन है इस पर अगर आप देखें तो एड न्यू कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है तो ये आपका कंटेनर है या सेक्शन है एक ही चीज़ है ठीक है इसको हमने किस तरह से बनाना होता है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ड्रॉ करके अच्छा जी अब देखें जैसे ये आपका एक पेज है जिसको आपने डिज़ाइन करा अब इस पेज पे आप क्या करेंगे यहाँ पे आपने सेक्शन वाइज या कंटेनर कह लें आप यहाँ पे कंटेनर वाइज़ जो है चीज़ों को डिज़ाइन करने ऐसा नहीं है कि पूरा पेज आपने यहाँ पे शुरू कर देना डिज़ाइन करना जो चाहे किसी भी चीज़ को किसी भी जगह पे आप रखें इस तरह से नहीं होगा हमने एक तरतीब से चलने और वो ये कि जैसे अभी एक सेक्शन आपका है पूरा पेज तो आपने पहले एक सेक्शन लिया ठीक है अब उस एक सेक्शन में आप बनाएंगे कॉलम ठीक है अब वो सिंगल कॉलम रखें जो सिंगल कॉलम आपको शो हो रहा है ठीक है अगर आप इसमें दो कॉलम कर लें तो दो कॉलम कर लें उसमें यह होगा कि एक जो कॉलम है उसमें आप कोई इमेज वगैरह या कोई ऐसी चीज ऐड कर लें दूसरे कॉलम में आप हेडिंग टेक्स्ट बटन कुछ ऐसा सेक्शन बना लें या सिंगल कॉलम है तो यहाँ पे आप स्लाइडर लगा दें ठीक है या एक हीरो सेक्शन के तौर पर एक बैनर लगा दें बड़ा ठीक है तो ये आपका एक सेक्शन है तो पहले आप एक सेक्शन लेते हैं ठीक है दिस... डिजाइन के हिसाब से देखें आपने उसको डिवाइड करना है कॉलम्स में या डायरेक्ट उसमें आप एलिमेंट एड कर रहे हैं जब एक सेक्शन आपने डिज़ाइन किया तो फिर आप क्या करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं जी ठीक है अब मैं कहता हूँ कि ये जो सेक्शन है या कंटेनर है मेरा इसमें मुझे तीन कॉलम चाहिए ठीक है, है अब तीन कॉलम या दो कॉलम हम किस लिए लेते हैं वो डिपेंड कर रहा है हमारे डिजाइन पे ठीक है हमने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दिखानी है अब ये अगर सिंगल है तो सिंगल में तो एक ही चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हैं ना दिखा सकते हैं तीन अलग अलग लेने का यहाँ पे पहले का मकसद है कि इस पहले कॉलम में कुछ और हो दूसरे में कुछ और हम ऐड करवा रहे हैं तीसरे में कुछ और करवा रहे हैं ठीक है दो सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं फिर आप थर्ड सेक्शन पे आ जाएं ठीक है अब उसमें मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम रखने हमने ठीक है आप दो कॉलम्स के साथ यहाँ पे अपना डिज़ाइन बना लें तो इस तरह से आपका क्या होगा टॉप टू बॉटम कंप्लीट पेज जो है वो आपका डिजाइन होगा सेक्शन वाइज ठीक है पहले हम इसे सेक्शन कहते थे एलिमेंट्री में आप इसको कंटेनर कह रहे हैं तो चीज एक ही है सेक्शन कह लें या कंटेनर कह लें ठीक है तो यहाँ पे आपने जो पेज डिजाइन करना है पहले आपने होम का जो पेज था वो लिया उसमें चार पांच छह जितने आपने सेक्शंस बनाने हैं वो बना के आपने उसको डिजाइन किया वो कंप्लीट हो गया फिर आप चले गए जी अबाउट uh, के पेज पे उसको आप डिज़ाइन करें फिर आप चले जाएं नेक्स्ट पेज पे सर्विसेज पे उसको डिज़ाइन करें फिर अस का पेज उसको डिज़ाइन करें इस तरह से जितने पेजेस आप बनाएंगे अपनी वेबसाइट पे तीन चार पाँच सात ठीक है उसी हिसाब से आप क्या करेंगे तमाम पेजेस को वन बाई वन खुद से डिज़ाइन करेंगे ये आपका कस्टमाइज डिज़ाइन है ठीक है जिसमें क्या है कि आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं आप अपने अपने माइंड से डिज़ाइन कर रहे हैं या आपका जो क्लाइंट है वो आपको एक रेफरेंस डिज़ाइन देता है या बताता है कि जी मुझे इस तरह की चीज़ बनवानी है तो फिर आपको क्या होता है कि आप खुद से सेक्शन वगैरह ये तमाम चीज़ें हेडिंग टेक्स्ट इमेज कहाँ पे आना है बटन ये वो उनकी स्टाइलिंग सब कुछ आप खुद कर रहे होते हैं तो कंप्लीट डिज़ाइन वो आप बना रहे हैं अपनी तरफ से ठीक है मर्ज नहीं होता ये मर्ज ही है मैं आपको दिखाता हूँ करके अभी ठीक है तो ये एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका ये है कि ये जो डिज़ाइन हम खुद से बना रहे हैं हर पेज का अलग अलग जाके ये हमें बने बनाए मिल जाते हैं ठीक है बस आप क्या करेंगे कि अपनी साइट पे उनको इंपोर्ट करेंगे और वो टैंपलेट जब इंपोर्ट होंगे तो आप देखें कि उसके ऊपर जो है आ, कुछ चेंजिंग्स आपने करना है तो वो करें और आपकी वेबसाइट कम्प्लीट है ठीक है समझ आ रही है तो दोनों तरह से हम काम कर सकते हैं जी हर चीज़ चेंज कर सकते हैं कलर भी उसका फ़ोन स्टाइल टेक्स्ट इमेज हर चीज़ चेंज हो जाती है उसमें ठीक है अभी देखें अभी जैसे ही देखें ना ये हमारा पेज है होम का ठीक है यहाँ पे मुझे अभी पहला सेक्शन बनाना है अब पहला सेक्शन जो है वो मैं कैसे बनाऊंगा ये ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है ऐड न्यू कंटेनर की इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें देखें ये डिफरेंट सेक्शनस आ गई हैं अब इसमें ये सिंगल कॉलम है ये सिंगल कॉलम है ये इसमें दो कॉलम आ गए इसमें दो तीन तीन चार ये डिफरेंट कॉलम्स आ गए हैं ठीक है अगर आप सिंगल कॉलम ले लें और बाद में उसमें अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं एक कॉलम और बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं या अगर आपने डबल कॉलम ले लिया एक कॉलम आप रखना चाह रहे हैं दूसरे को आप डिलीट भी कर सकते हैं तो ये हर तरह से आपके लिए फ्लेक्सिबल है आप जैसे चाहें इसको यूज़ करें <coughs> यही तो उसका फ़ायदा है ना एक्सटर्नल एडिटर का यही तो फ़ायदा कि हमें वो बहुत से ऑप्शन दे रहे हैं हम जैसे चाहें अपना डिज़ाइन बनाए हाँ जी कंप्लीट पेज करते हैं जी अच्छा अब ये जो सिंगल कॉलम है सिंगल कॉलम ठीक है इन सिंगल कॉलम्स में डायरेक्शंस आ जाती हैं या तो आपकी टॉप टू बॉटम कॉलम जो है डायरेक्शन होगी है या लेफ़्ट टू राइट होगी रो वाइज ठीक है इस डायरेक्शन का मतलब है कि अगर हमने एक कंटेनर में मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना है तो वो किस डायरेक्शन में आए टॉप टू बॉटम आए या लेफ्ट टू राइट आए ठीक है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ये लेफ्ट टू राइट वाला यहाँ पे कंटेनर सेलेक्ट किया ठीक है और ये यहाँ पे देखें ये आ गया जी अब जैसे ही मैंने कंटेनर लिया तो साइड बार में एडिट कंटेनर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला और उसके नीचे जो सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं वो इस कंटेनर की हैं यानी कि हमारी जो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर सेट करना है कंटेनर लिया हमने अगर वो सिंगल कॉलम है तो फिर तो कंटेनर के अंदर आप डायरेक्टली एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं और अगर उसमें कॉलम है तो फिर आप कंटेनर के अंदर कॉलम कॉलम की सेटिंग अलग से और कॉलम के अंदर फिर आपके एलिमेंट्स और एलिमेंट्स की सेटिंग अलग से ठीक है तो अभी हम किस जगह पे हैं कंटेनर पे तो कंटेनर अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये साइड बार में आपकी जो सेटिंग्स आ रही हैं वो कंटेनर की आ रही है ऊपर लिखा हुआ है पहले लेआउट है लेआउट में क्या है जी कि आपके कंटेनर की विथ क्या हो ठीक है यहाँ पे बॉक्स करना है या फुल विथ करना है फुल विथ करेंगे तो इसकी जितनी भी आपकी स्क्रीन की विथ होगी उसी हिसाब से ये फुल हो जाएगा जी विच टू एच होगा ये अगर आप बॉक्स करेंगे तो फिर लेफ्ट टू राइट जो है दोनों साइड पे स्पेस उसने छोड़ी होती है मार्जिन उसने रखा होता है जी, है जी ठीक तो मैंने उसको फुल विट्स किया हाइट uh, कम ज्यादा करना हो तो यहां से भी आप सेट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आ गया जी हाइट हाइट क्या होती है हाइट ये होती है कि सेक्शन की विथ तो समझ आ गई हाइट में हमने इसको क्या सेट करना है तो so हाइट आप डिपेंड कर रहे हैं जी आपका जितना कंटेंट होगा उस कंटेंट के हिसाब से आप उसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं अब देखिए हाइट कम ज्यादा कर रहा हूँ तो हाइट ये बढ़ रही है और कम ज्यादा भी हो रही है ठीक है थ्री फिफ्टी मैं कर देता हूँ फोर हंड्रेड कर देता हूँ ठीक है ये हमारे यहाँ जी आ गई है हाइट उसके बाद नीचे डायरेक्शन आ गई डायरेक्शन हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं चेंज करना हो तो हम डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्शन का भी मैं आपको समझाता हूँ फिर आपको बेहतर समझ आएगी उसके बाद जस्टिफाई कॉन्टेंट आ गया लाइन आइटम आ गई चीज़ें भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ जी स्टाइल में अगर हम जाते हैं तो स्टाइल में बैकग्राउंड आ गया है बैकग्राउंड में अगर आपने क्लासिक पे आना है तो यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर अगर आप देना चाह रहे हैं बैकग्राउंड को वो आप दे सकते हैं ठीक है या अगर आपने इमेज यूज़ करना है तो इमेज यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आ गए जी ग्रेडियंट कलर्स आ गए हैं मल्टीपल कलर अगर आपने ऐड करना हो ठीक है वीडियो कोई ऐड करनी हो बैकग्राउंड में या अगर आपने कोई स्लाइड शो पे डिफरेंट इमेजेस यहाँ पे आपने ऐड करना हो तो मल्टीपल इमेजेस भी आप ऐड करके स्लाइड शो यहाँ पे सेट करवा सकते हैं ये ठीक है उसके बाद नीचे आए तो बैकग्राउंड ओवरले है अगर आपने बैकग्राउंड पे हल्का सा कोई कलर ओवरले देना है तो वो आप दे सकते हैं बॉर्डर आपका यहाँ पे ऑप्शन आ गया है जी बॉर्डर में आपके पास अब देखें टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफा ऑप्शन है जी तो यहाँ पे आप पहले सेलेक्ट करें कि आपने सॉलिड रखना है डबल रखना है क्या स्टाइल आपका हो बॉर्डर की टाइप क्या हो फिर यहाँ से आप उसकी जो बढ़ाएंगे वगैरह तो उसी हिसाब से वो बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा और सिंगल किसी एक साइड का बढ़ाना है तो फिर आप उसको यहाँ से अनलिंक कर लें और फिर आप किसी भी एक सिंगल साइड का बढ़ा सकते हैं जी ठीक है अच्छा उसके बाद आगे जो शेप डिवाइडर आ गया शेप डिवाइडर जो है टॉप या बॉटम दो जगहों पे लगता है और ये हम यूज़ करते हैं जब एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से हमने थोड़ा सा डिफरेंट शो करवाना हो तो हम डिवाइडर यूज़ कर लेते हैं उसके बाद है जी एडवांस का सेक्शन एडवांस में अगर आप जाते हैं यहाँ पे मार्जिन आ गए हैं पैडिंग आ गया ठीक है, गया है उसके बाद आपकी फिर जो कंटेनर है उसकी सेल्फ अलाइनमेंट आ गई है ठीक है साइज़ वग़ैरह पोजीशन वग़ैरह मोशन इफेक्ट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं इनको आप जरा डिटेल से देख लीजिएगा जी अच्छा अब यहाँ पे ये यह आ गया जी कंटेनर अब इस कंटेनर में हमने किस तरह से एलिमेंट्स को ऐड करना है ठीक है अब मैं ये चाह रहा हूँ जो मैं डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ इस पेज का आ, मेरे जहन में जो डिज़ाइन है यहाँ पे मैं देखें ना अब मैंने आपको बताया जब हम कस्टमाइज डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर हम ख़ुद अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे ठीक है उसके लिए बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करें कि कोई डिफरेंट तीन चार वेबसाइट्स ओपन कर लें और उनपे देखें कि वो डिजाइन क्या बना हुआ है तो फिर कोशिश करें कि आप सेम टू सेम या कुछ मिलता जुलता उनसे डिजाइन आप ठीक है अच्छा अभी ये मेरे पास एक सेक्शन है मैं चाह रहा हूँ कि सेक्शन में हैडिंग और बटन ऐड हो और उसके बैकग्राउंड पे एक इमेज हो ठीक है तो अगर मैंने बैकग्राउंड पे इमेज रखना है और फ्रंट पे मैंने हेडिंग और बटन शो करवाना है इमेज के ऊपर तो मुझे इमेज को बैकग्राउंड में यूज़ करना होगा कंटेनर के बैकग्राउंड ठीक है तो मैंने कंटेनर को सेलेक्ट किया कंटेनर के स्टाइल में गया और यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज मैंने सेट करनी है जो कि कंटेनर के बैकग्राउंड पे लगेगी बैकग्राउंड इमेज का फ़ायदा ये होता है कि उसके ऊपर जो है फ्रंट साइड पे आप हेडिंग बटन कुछ भी आप टेक्स्ट वगैरह जो चाहे एलिमेंट आप वहां पर शो करवा सकते हैं ठीक है, है? अब यहाँ यहाँ से हमको इमेज ले लेते हैं ये मैंने इमेज सेलेक्ट किया यहाँ पे इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इमेज देखें बैकग्राउंड में आ गई है और जैसे हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है तो उसके कुछ और ऑप्शंस आपको नीचे नज़र आ रहे हैं जिसमें इमेज का साइज़ है फुल रखना है आपने या कुछ कम ज़्यादा करना है वो आप कर लें पोजीशन है हम इसको सेंटर सेंटर कर दें जिस साइड पर भी आप करना चाह रहे हैं ठीक है अटैचमेंट में आपने इसक्रोल करना है या फिक्स करना है उसको ठीक है स्क्रोलिंग इफेक्ट है ये रिपीट uh, में आ जाए तो फिर यहाँ पे अगर आपके इमेज का साइज़ कम होगा साइज कम होगा इमेज का तो फिर क्या करेगा वो जगह फिल करने के लिए इमेज को रिपीट कर देता है वो तो अगर आप यहाँ पे रिपीट रखना चाह रहे हैं तो डिफॉल्ट में रिपीट ही है अदरवाइज आप नो no रिपीट कर दें इस... डिस्प्ले साइज क्या करना है डिस्प्ले साइज में ऑटो है कवर है कंटेन है कस्टम है ठीक है अगर हम ऑटो रखेंगे तो ऑटो जो डिस्प्ले है वो आ रहा है जी कवर में क्या होता है कवर में ये होगा कि हम कवर सेलेक्ट करेंगे तो जितनी ये स्पेस होगी इस कंटेनर की उतना उसको वो कवर कर लेगा उसी ही साइज़ में एडजस्ट हो जाएगी आपकी इमेज ठीक है तो ये आप कर सकते हैं जो भी आप डिफरेंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो कर ले अब ये इमेज आपको नज़र आ रही है अब ये इमेज जो है ये कंटेनर के बैकग्राउंड पे लगी हुई है बैकग्राउंड पे ठीक है इसके फ्रंट पे हम कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं अब एलिमेंट ऐड कैसे होते हैं जी अगर आप जाते हैं ये डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंट्स आ गए हैं जिन एलिमेंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जी ठीक है यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट उठा के यहाँ पे ऐड कर लें जैसे कि मैं हेडिंग ऐड करना चाह रहा हूँ मैंने हेडिंग को उठाया और यहाँ पे ला मैंने ड्रॉप कर दिया उसको ठीक है ये हेडिंग आ गई है अच्छा जी अब इस हेडिंग के अगर देखें तो जैसे मैंने हेडिंग सेलेक्ट की तो साइड बार में सेटिंग किस चीज़ की आ गई है हेडिंग की आ गई है अब आपको समझ आ रही है कि कंटेनर की सेटिंग्स अलग से हैं कंटेनर में अगर आपने कॉलम बनाए हुए हैं तो कॉलम की सेटिंग्स अलग से और फिर ये जो एलिमेंट ऐड किए हुए हैं एलिमेंट क्या होता है ये हेडिंग आपका बटन इमेज ये आपके एलिमेंट्स हैं एलिमेंट अगर आपने ऐड किया हुआ है तो उसकी सेटिंग्स अलग से यानी हर हर स्टेप पे अलग अलग सेटिंग्स मिल रही है आपको ऑप्शन मिल रहे हैं और आपके लिए ईजी है चीज़ों को डिज़ाइन करना तो हम यहाँ पर क्या करते हैं उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं जो चाहें आप यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ करें ठीक है उसमें अगर आपने कोई लिंक ऐड करना है कोई यूआरएल सेट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस पर ठीक है साइज़ आप सेट कर सकते हैं एच टैग आप सेट कर सकते हैं उसके बाद आ गया जी अलाइनमेंट अलाइनमेंट मैंने किया जी इसको सेंटर ठीक है स्टाइल में आ जाए तो स्टाइल में, तो में आप इसका कलर फ़ॉन्ट वगैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं सेट कर सकते हैं हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया बस हम जस्ट ये एक काम कर लें फिर हम क्लास को क्लोज करते हैं जी ठीक है अब देखिए जैसे इसका मैं कलर जो है वो कोई भी यहाँ से सेट कर सकता हूँ ठीक है ये कंप्लीट ग्राफ है वरना ये जो आपको नज़र आ रहा है साइट पे ये ग्लोबल कलर्स हैं जो कि थीम के कलर हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने ये यूज़ किया तो ये नज़र नहीं आ रहा हम यहीं से कोई बना लेते हैं कलर जी थोड़ा सा ये ठीक है जी अच्छा जी अब ये कलर आ गया जी उसके बाद आप टाइपोग्राफी में जाएंगे तो इसका फ़ोन स्टाइल फ़ोन साइज़ फ़ोन हाइट इसकी जो आपने इसको बोल्ड करना है टैलिक करना है तमाम तो चीज़ें आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी में मिलेंगी जी डेस्क ट्रॉक है शेडो है जो भी आपने सेट करना है वो कर लें एडवांस में जाएंगे अब देखें ना हर चीज़ पर वही सेटिंग्स हैं आपकी मोस्टली लेआउट सॉरी यहाँ पे मार्जिन है पैडिंग है उसको आपने सेट कर दें ठीक है इसके साइज वगैरह इसकी पोजीशन वगैरह वो आप सेट कर सकते हैं अब ये हमारा आ गया जी पहला एलिमेंट अब मुझे बटन भी लगाना है तो अगेन यहाँ पे क्लिक किया और बटन का एलिमेंट उठाया मैंने और ये इधर आ गया जी बटन का एलिमेंट ठीक है अब ये जो बटन का एलिमेंट है ये हमारी हेडिंग के किस साइड पे आया है हेडिंग के किस साइड पे आया है राइट right साइड पे आया है ऐसा है ना राइट right साइड पे तो ये राइट साइड पे क्यों आया है मैं इसको नीचे यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ ये नीचे क्यों नहीं आ रहा ये कोई बताएगा मुझे कि ये राइट साइड पे क्यों आ रहा है इस हेडिंग के नीचे क्यों नहीं आ रहा ये जल्दी से बताएं हमारा लास्ट मिनट है आप लोगों से पूछ रहा हूँ बताएं मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों को कॉलम तो हमने लिए नहीं हमने जो सिंगल कॉलम कंटेनर लिया है इसमें सिंगल है इसमें कोई कॉलम नहीं है नहीं जी बाई डिफॉल्ट नहीं है मैं अब मैं अब आपको बताता हूँ कि है क्या जब हमने कंटेनर लिया अगेन आप देखिए मैं कंटेनर की सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो साइड बार में कंटेनर की सेटिंग्स आ गई हैं लेआउट पे आ जाए जब मैंने कंटेनर सेलेक्ट किया था तो तब हमने डायरेक्शन ली थी आपको याद होगा और वो डायरेक्शन थी ये वाली रो वाइज लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन का मतलब है कि इस कंटेनर में हम जब चीज़ों को ऐड करेंगे वो लेफ्ट टू राइट आए या टॉप टू बॉटम आए ऐसा ही ना हमने ये लिया था अब देखिए यहीं से इसकी डायरेक्शन में चेंज करता हूँ मैं टॉप टू बॉटम सेट करता हूँ यानी कि कॉलम वाइज सेट करता हूँ तो मैं उसे क्लिक करूंगा अब देखें उसके नीचे आ गया ये ये ऊपर है और ये नीचे है समझ आ रही है ठीक है ऐसे ही अगर हमने इस कंटेनर के सेंटर में लेके आना है उसको तो फिर हम यहाँ से जस्टिफाई सेट कर लेंगे अभी दोनों सेंटर में आ गए हैं ठीक है उसके बाद आप अगर आप इन आग दोनों को बिल्कुल सेंटर में करना चाह रहे हैं लाइन आइटम सेट करें ये सेंटर में हो गया जी तो कंटेनर अगर आपने सिंगल कॉलम लिया कंटेनर में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ये जो हम पहले जो ओल्ड एलिमेंटर हम यूज कर रहे थे उसमें ये कंटेनर सिस्टम नहीं था उसमें सिंपल सेक्शन सेक्शन के अंदर कॉलम कॉलम के अंदर एलिमेंट्स ठीक है वहां पे डायरेक्शन नहीं थी लेफ्ट राइट या टॉप टू बॉटम अब यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन आपको मिल गया एक्स्ट्रा चीज आपको मिल गई है कि आप एलिमेंट्स को ऐड करें आप देखें कि मैंने टॉप टू बॉटम रखना है लेफ्ट राइट right रखना है जैसे कि अब मैं इसको लेफ्ट राइट right करूंगा इधर दोनों बराबर में आ गई ठीक है अच्छा जी ये समझ आ गई आपको कि डायरेक्शन सिस्टम क्या है अच्छा दूसरी बात रही कि हमने हेडिंग का सेट किया हमने अगर हम सेट करें क्लिक करें बटन पे बटन के इस जगह पे तो ये बटन की सेटिंग्स आ गई है बटन की सेटिंग में क्या है जी बटन की टाइप है ठीक है उसका टेक्स्ट है हमने ये टेक्स्ट सेट कर देना है उसके बाद है जी लिंक ऐड करना है लिंक ऐड कैसे किया जाता है जैसे ये हमारी वेबसाइट है इस वेबसाइट पे ये कॉन्टैक्टस का पेज है जब इस पेज को मैं ओपन करता हूँ तो ऊपर जो है यू बन जाएगा कॉन्टेक्टस पेज का अभी आप देखिएगा यहाँ पे यू इसका चेंज होगा ये पेज ओपन होगा तो इसका यू डिफरेंट आ जाएगा ठीक है यू डिफरेंट आ गया अब मैंने इसे यू को कॉपी किया क्योंकि ये यू किसका है कॉन्टैक्टस पेज का और इसी यू आर एल को मैं यहाँ पे ला के बटन के लिंक में ऐड कर देता हूँ ठीक है ये ऐड हो चुका है जी अलाइनमेंट हमने सेंटर की है इसमें अगर आपने साइज़ इसका कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है जो भी आपने करना हो जी अच्छा उसके बाद यहाँ पे आइकन अगर ऐड करना हो बटन में आइकन ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आइकन लाइब्रेरी आपके पास आ गई है ठीक है बहुत से आइकन हैं जो चाहे आप आइकन यहाँ पे यूज़ कर लें ठीक है आप जो चाहे आइकन यूज़ कर सकते हैं जी जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ठीक हो गया बिफोर करना है आफ्टर करना है ये आप सेट कर सकते हैं जी उसके बाद स्टाइल में आ जाएं बटन के तो बटन के स्टाइल में आएंगे तो बटन का जो कलर है बटन में जो टैप इसकी सेटिंग्स आ गई हैं यहाँ पे आ गया जी आपके पास टेक्स्ट कलर अभी हमने वाइट सेट किया हुआ है ठीक है उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप आ गई है बैकग्राउंड टाइप में कलर लिया हुआ है कलर हमारे पास ग्रीन है हम क्या करते हैं यहाँ से कलर को चेंज करते हैं जी तो मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग वाला कलर आए तो कलर पिकर भी हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? सेम कलर हो गया जी या फिर आप क्या करें इस कलर का कोड जाके देख लें जैसे कि अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे कलर कोड लिखा हुआ है इस कलर कोड को कॉपी करें और किसी और जगह पे अगर आपने सेम कलर देना वहां पे पेस्ट कर दें आप कलर कोड जो है वो सेम कलर आ जाएगा जी ठीक हो गया पिक का कलर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि पिक तो ऑलरेडी एक डिजाइन की हुई चीज है ना हाँ पिक के ऊपर आप ओवरले सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड ओवरले सेट करेंगे ना किसी भी कलर की तो हल्की सी वो शेड उस कलर की दे देगा वो ठीक है ये कर सकते हैं आप अच्छा जी उसके बाद आ गया जी बॉर्डर अगर आपने देना है बटन को बॉर्डर दें पैडिंग देनी है तो वो दें एडवांस में आ जाएं तो वही पैडिंग और मार्जिन वगैरह है ठीक है तमाम चीज़ें करके यहाँ पे हम क्या करते हैं हेडिंग को थोड़ा सा मोशन इफेक्ट दे देते हैं जी हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया हेडिंग है एडवांस में आ जाएँ इसकी और ये आ गया जी मोशन इफेक्ट मोशन इफेक्ट में हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये दे देते हैं या फिर लेफ्ट साइड से ठीक है अपडेट किया मैंने इसको और अब आप आ जाएं अपनी वेबसाइट पे एक दफा रिफ्रेश कर लें नहीं कलर पिकर इसी में है ना इसी में मैंने आपको करके दिखाया अलग से तो नहीं किया मैंने ठीक है काम कर रहा है ये अब ये एक सेक्शन बन गया इस तरह फिर हम दूसरा बनाएंगे तीसरा बनाएंगे ठीक है तो कंप्लीट एक पेज डिजाइन हो जाएगा फिर हम दूसरा पेज डिजाइन करेंगे अभी हमने इस पर लिंक ऐड किया था इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हम चले जाएंगे जी कॉन्टेक्ट है पेज पे ठीक है समझ आ गई है चलिए जी बाकी इन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आगे हमने क्या सेक्शन बनाने हैं किस तरह से डिजाइन करने जस्ट आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि अगर आप खुद से चीज़ों को डिज़ाइन करें खुद से चीज़ों को बनाएं तो वो डिज़ाइन आप किस तरह से करेंगे चीज़ों को ठीक है और बना बनाया डिज़ाइन कैसे उठाना है वो भी इन आपको बताएंगे जी ठीक है चलें जी टाइम हमारा आपको हो गया अल्लाह हाफिज़